important schemes of Budget 2021. The next scheme that we have is PM Atmanirbhar Swasthya Bharat Yojana. Fine. So the context is the finance minister has launched a new scheme titled PM Atmanirbhar Swasthya Bharat Yojana. In general, the scheme aims to develop capacities in the healthcare system over 6 years. So, isme ek time period rakha gaya hai ki hum agle 6 saalon ke andar jo hai, apni jo healthcare system ki capacities hain, unko develop karenge. Fine. अब ये जो पीएम आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ भारत योजना है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ठीक है एंड एम क्या है द स्कीम एम्स टू इम्प्रूव प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम्स स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूशंस इन हेल्थ सेक्टर ठीक है जो ऑलरेडी अभी नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं हेल्थ सेक्टर में उनको स्ट्रेंथन करना साथ ही साथ में नए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस टू कैटर टू डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग डिजीजेस ठीक है ड्यूरेशन क्या है इस स्कीम का इसका 6 ईयर्स का ड्यूरेशन है ठीक है फीचर्स क्या हैं इस स्कीम के सी द स्कीम विल सपोर्ट इन द सेटिंग अप ऑफ रूरल अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के बारे में एक्चुअली आयुष्मान भारत योजना में ये गवर्नमेंट ने लेकर आई थी जब आयुष्मान भारत योजना उसके अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दी एक इंटायर वीडियो है हेल्थ के ऊपर जिसमें कि आई हैव टोल्ड व्हाट आर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स की बात करी गई है एंड क्रिटिकल हेल्थ केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स कुछ हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल हेल्थ केयर ठीक है तो ये इसमें कुछ बात करी गई है अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन ए हेल्थ होगा रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन 9 बायोसेफ्टी लेवल 3rd लेबोरेटरीज एंड 4 रीजनल सेंटर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर वायरोलॉजी आफ्टर COVID-19 पैंडमिक बहुत ज़्यादा नीड हो गई है कि हमारे पास में भी काफ़ी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हों विद रिस्पेक्ट टू वायरोलॉजी ठीक है तो इस वजह से ये इंस्टीट्यूट्स की बात करी गई है देन स्ट्रेंथनिंग नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड 5 रीजनल ब्रांचेस ऑफ इट अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपेंडिंग द इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पैनल ठीक है तो ये इसमें कुछ इस स्कीम के फीचर्स हैं So that's all with PM Swasthya, PM Swasthya Nirbhar, Atmanirbhar Bharat Yojana. आगे ये स्कीम जब इम्प्लीमेंट होगी या किस तरीके से इसमें और चीज़ें ऐड होती हैं तब उसको देखा जाएगा फिलहाल इस स्कीम में इतना ही एंड थैंक यू